9 साल के बाद जो रेट्रो टैक्स का अमेंडमेंट था उसको हटा रही है सरकार और इसमें बदलाव लाती हुई दिख रही है, बड़ा रिलीफ। एक तो ऑफ कोर्स अब केन के लिए, हालांकि अब लिस्टेड में तो कहीं उसका इंपैक्ट नहीं है, वोडाफोन के लिए भी कितना रिलीफ हो सकता है सर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली भारत में FDI लाने के लिए कितना बड़ा मेजर होगा ये, क्या वोडाफोन इंटरनेशनल को भी अब कॉन्फिडेंस होगा भारत में फिर से निवेश करने के लिए? दीप, मैं ये कहूंगा एक ही सेंटेंस में, इससे आप समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। हाल ही के महीनों का या अगर हाल ही के कुछ सालों का, कुछ वर्षों का, अगर मैं इसे सबसे बड़ा रिफॉर्म कहूं तो गलत नहीं होगा। अब इसे रिफॉर्म माने या भूल सुधार माने ये अपने अपने नजरिए पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बड़ा बदलाव है जो अब हिंदुस्तान में होने जा रहा है। इसकी वजह से हजारों टैक्स लिटिगेशन ऐसे होंगे जो अब नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो अचानक से गेम खेलने वाली एक पार्टी कहे कि नहीं, रूल ये नहीं, अब ये होगा, और ये रूल है ना गेम की शुरुआत से होगा, पहले से होगा, अब से आगे से नहीं होगा, तो वो कितना फेयर है? बस मामला इतना ही है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स एक्ट के पास ये प्रावधान है कि वो पिछली डेट से कोई भी अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस बदल सकते हैं, रूल बदल सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी विदेशी निवेशक हिंदुस्तान में आकर जो पैसा लगा रहा है उसे हमेशा ये रिस्क रहेगी कि अचानक से आपने पिछली डेट से कोई नियम बदल लिया और उसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ये तो हमें पता नहीं था। अगर आज मैं पैसा लगा रहा हूं, फर्ज करें आज मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या किसी भी बिजनेस में पैसा लगाया, तो मुझे ये पता है कि आज के टैक्स कानून ये है, इन कानूनों के दम पर मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा जो भी मैं कमाता हूं। लेकिन अचानक से आप इस कानून को पिछले 5 साल पहले से बदल के छोड़ दें या आज के बाद 5 साल बाद कहें कि आपका तो कानून पहले दिन से अब ये वाला होगा जो उस वक्त था वो नहीं, तो फिर ये तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। और यही होता हुआ दिखाए, चाहे केन का केस हो चाहे वोडाफोन का केस हो, हालांकि इससे कोई भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली नहीं, छोटा सा अमाउंट उनको मिला है वो वापस देना पड़ेगा, लेकिन एक पोटेंशियल रेवेन्यू जो आ सकता था वो नहीं आएगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेटर्निटी में हमारी इमेज बहुत बेहतर होगी, और ये इमेज जाएगी कि अगर कोई कानून गलत बना है, किसी कानून में बदलाव की जरूरत है, तो भारत सरकार उसे बदलने के लिए तैयार है और वो करके दिखा रहे हैं। और मुझे याद है अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने संसद में ये कहा था कि हम इस तरह के कानूनों के विरोध में हैं और समय आने पर हमें इससे बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा कदम है, और वाकई में विदेशी निवेशकों के लिए ये जोश भरता हुआ दिखेगा।